तो देखिए इस वक्त राज्यसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर इलेक्शन कमीशन ने राज्यसभा चुनाव का ऐलान कर दिया है। राज्यसभा की 56 सीटों पर चुनाव की घोषणा कर दी गई है। आपको बता दें कि 27 फरवरी को सभी 56 सीटों पर चुनाव होगा। मध्य प्रदेश की 5 सीटों पर भी चुनाव की घोषणा कर दी गई है, तो वही छत्तीसगढ़ की एक राज्यसभा सीट पर चुनाव का ऐलान किया गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको एक बार फिर से बता दें, छत्तीसगढ़ में वैसे देखा जाए तो राज्यसभा की 5 सीटें हैं, जिनमें से एक सीट पर चुनाव का यहां पर ऐलान किया गया है। तो अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो राज्यसभा की 56 सीटें हैं जिन पर चुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान कर दिया गया। 27 फरवरी को चुनाव किए जाएंगे। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अमृतांशी हमारे साथ जुड़ गई है, सीधा उनका रुख करेंगे। अमृतांशी देखिए इस वक्त ये बड़ी खबर है, राज्यसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान यहां पर कर दिया गया है। बिल्कुल, देखिए फरवरी जो माह है वो बेहद ही खास होने वाला है, क्योंकि राज्यसभा की 56 सीटों को लेकर जो है चुनाव का ऐलान हुआ है, और ऐसे में मध्यप्रदेश की 5 सीटें इसमें खाली हो रही हैं। 5 सदस्य जो है उनका कार्यकाल पूरा हो रहा है, वो रिटायर हो रहे हैं, जिसमें नाम शामिल धर्मेंद्र प्रधान, एल मुरुगन है, अजय प्रताप सिंह है, कैलाश सोनी है, और कांग्रेस से सांसद राजमणि पटेल जो कि वरिष्ठ नेता भी हैं। इन सभी का जो कार्यकाल है वो ओवर हो रहा है, और इसके साथ ही साथ राज्यसभा के चुनाव के नामांकन की जो है तारीखें भी अनाउंस हो गई हैं। अगर बात की जाए तो 7-8 फरवरी को जो है नोटिफिकेशन जारी होगा। इस बीच में जो तमाम हम कह सकते हैं जो पार्टी से उतारे हुए नेता होंगे वो यहाँ पर नॉमिनेशन करते हुए नजर आएंगे। अगर 8 फरवरी को जो नोटिफिकेशन इश्यू होगा उसके बाद नॉमिनेशन शुरू हो जाएंगे। 15 फरवरी को नॉमिनेशन करने का आखिरी दिन है, यानी कि इसके पहले पहले जो तमाम राजनीतिक दल हैं किसको वो मध्यप्रदेश से 5 जो ऐसे चेहरे होंगे, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, जिनको वो राज्यसभा उतारना चाहते हैं, उनकी जो है वो पहले ही तय कर लिए जाएंगे। हालांकि ज्यादा समय अब नहीं है, लेकिन तय करने के साथ साथ 16 तारीख को जो फॉर्म्स भरे जाएंगे, 15 तारीख तक आखिरी नॉमिनेशन के साथ 16 तारीख को जो है फॉर्म्स की स्क्रूटनी की जाएगी। स्क्रूटनी के बाद यहां पर जो है ये देखा जाएगा कि क्या जो है पूरी तरीके से चीजें ठीक है, जो डॉक्यूमेंट्स लगाए गए हैं, जो जानकारी प्रोवाइड की गई है स्क्रूटनी के दौरान, इसको लेकर जो है पूरा देखा जाएगा, कमीशन इसको चेकआउट करेगा। उसके बाद जो है नाम वापस लेने की तारीख जो है वो 20 फरवरी रखी गई है, यानी कि अगर इस बीच में कोई नाम वापस लेना चाहता है और दूसरे फॉर्म से कोई अगर बी फॉर्म जारी होना चाहता है तो इसको लेकर जो है वो काम किया जाएगा। 27 फरवरी को सुबह 9 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक अगर बात की जाए तो वोटिंग की जाएगी, पोलिंग की जाएगी राज्यसभा के सदस्यों के लिए। मध्यप्रदेश में इसमें 5 जो है हम कह सकते हैं सीटें खाली रहने वाली है, और उसी दिन शाम को 5 बजे से काउंटिंग ऑफ वोट्स होगी, यानी कि उसी दिन शाम को जो है वोट्स जो कितने पड़े हैं, किसको पड़े हैं, कौन विजेता है, कौन जीता है, इसको लेकर जो है उसी दिन पिक्चर क्लियर हो जाएगी। हालांकि 29 फरवरी तक ये पूरा तरीके से जो है उनको परिणाम घोषित करने होंगे। लेकिन देखिए लोकसभा के पहले राज्यसभा का आना, और खासतौर से मध्यप्रदेश की 5 सीटें हैं, हालांकि छत्तीसगढ़ की तो एक ही जो है सीट है, लेकिन मध्यप्रदेश की 5 सीट जिसमें जो है मंत्री भी इसमें एक शामिल है, उनका कार्यकाल यहां पर खत्म हो रहा है, और राजमणि पटेल भी वरिष्ठ नेता है, तो अभी देखना होगा कि इस गहमा गहमी के बीच में किन चेहरों को बीजेपी या कांग्रेस जो है वो इसमें उतारती हुई नजर आती है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक ये हम कह सकते हैं जस्ट एक छोटा सा सेमीफाइनल की तरह है लोकसभा के पहले, कि इसमें कौन बाजी मार जाता है, इस बार किसका कार्यकाल जो है इस बार बढ़ जाएगा, तो ये जो है महत्वपूर्ण हो जाता है। तो फरवरी का माह बेहद ही खास भी होने वाला है, क्योंकि राज्यसभा के नए हमें जो है सदस्य मध्यप्रदेश से 5 मिल जाएंगे। अब इसमें ये देखना होगा कि जो सदस्य को रिटायर किया जा रहा है या फिर जिनका कार्यकाल खत्म हो रहा है, क्या उनको आगे बढ़ाया जाएगा या फिर जो है उनको लोकसभा की तैयारियों में जोड़ दिया जाएगा, क्योंकि राजमणि पटेल और धर्मेंद्र प्रधान, एल मुरुगन जैसे कई बड़े नाम इसमें शामिल हैं। तो कहीं ना कहीं अब जो है राजनीतिक गहमागहमी इसमें देखने को मिलेगी, और अब राजनीतिक सियासत भी इस मामले में होती हुई नजर आएगी कि कौन सी पार्टी कौन से नेता को जो है इस बार अपना राज्यसभा का चेहरा बनाएगी। जी बिल्कुल अमृतांशी, तारीखों का ऐलान हो गया और ऐसे में जाहिर सी बात है कि सियासी गलियारों में हलचल भी तेज हो जाएगी इसको लेकर कि आखिर किसके नाम पर यहां पर मुहर लगती है, किसको उतारा जाता है, और साथ ही साथ किसके कार्यकाल को यहां पर बढ़ाया जा सकता है। नजरें बना रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अमृतांशी आपका तमाम जानकारी के लिए।